ए राजा, सर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपेरेंसी इन द पंचायत लेवल सर आफ्टर द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द पंचायत्स आर एम्पावर्ड एज लिटिल रिपब्लिक इन द पंचायत लेवल एंड यूनियन लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल देर आर थ्री लेयर्स elected by the duly elected by the people to maintain the transparency sir since we are discussing about the transparency I want to put a specific question to the honorable minister that some of the states are not at all inclined to conduct the local body elections sir unless and until the local body election took place where we can ensure the transparency I can more specifically submit to the honorable minister through the chair that in Tamil Nadu for several years there is no local party election at all in all levels everywhere collection commission corruption any step is going to be taken by the honorable minister with the folder hand I am telling are you going to have any stringent law to ensure that the local body elections would be committed there mananiya mantri ji mananiya adhyaksh mahoday main सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि तमिलनाडु राज्य में ग्राम पंचायत का चुनाव होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है और इसके लिए केंद्र सरकार ने उनको बार बार आग्रह किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि जहां ग्राम पंचायत का निर्वाचन नहीं होता उन राज्यों को हम लोग फाइनेंस कमीशन का कोई भी रुपया केंद्र सरकार से रिलीज ही नहीं करते हैं। हमने उनको आग्रह भी किया कि वो चुनाव कराएं, पैसा हमारे पास है, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कोई प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो बार बार वह यही कहते हैं और चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चुनाव अगर जहां नहीं होता वहां हम कोई भी राशि रिलीज नहीं करते। श्री अधीर रंजन जी।